अस्सलाम वालेकुम। आप डेली लाइफ में फेसबुक को यूज करते हैं और यूज करने के साथ साथ आपको ये नहीं पता होता है कि आप फेसबुक को तो यूज करते हैं लेकिन आप फेसबुक से बहुत ज्यादा तादाद में पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा इनकम आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं और फेसबुक का पेज आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने फेसबुक से अर्निंग किस तरह से करनी है। तो आप नॉर्मल वीडियोस बना सकते हैं, आप वीडियोस बनाएंगे तो आप उसको फेसबुक पेज पर अपलोड करेंगे तो आपको फेसबुक पेज पर जैसे जैसे व्यूज मिलते हैं, फॉलोअर्स मिलते हैं, तो कुछ देर के बाद आपकी वहां पे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप नॉर्मल किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, इंटरटेनिंग टॉपिक हो सकता है आपका, न्यूज का हो सकता है, स्पोर्ट्स का हो सकता है, आईटी के बारे में हो सकता है अगर आपके पास आईटी का नॉलेज है, या इसके अलावा कोई व्लॉगिंग कर सकते हैं, कोई भी विजिट के आप वीडियो बना सकते हैं, किसी भी तरह की वीडियो होनी चाहिए। जैसे जैसे आप उसको फेसबुक पेज पर अपलोड करते जाएंगे आपको व्यूज मिलते जाएंगे, आपके वहां पे फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे, व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको फेसबुक पेज से अर्निंग करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे ही वो क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होता जाता है तो आपको वो पूछेंगे कि आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करें। तो जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करेंगे तो आगे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आपको आपकी अर्निंग मिलने लग जाती है, आपकी वीडियोस पर इनस्ट्रीम एड्स आते हैं, इसके अलावा आप इंस्टेंट आर्टिकल्स के थ्रू वहां पे अर्निंग कर सकते हैं, और इसके अलावा ब्रांड कोलैब मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं, पेड ऑनलाइन इवेंट से आप अर्निंग कर सकते हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग से भी आप फेसबुक पेज से अर्निंग कर सकते हैं। तो आप ज्यादातर फेसबुक इनस्ट्रीम एड्स यूज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इजी हैं, जिनका क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होता है और आगे आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल अपना बैंक अकाउंट अटैच करना होता है और उसके बाद आपके फेसबुक पेज से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने अपना फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, मैं पीसी पर लैपटॉप स्क्रीन पर आपको चेक करवा देता हूं कि आपने अपना फेसबुक पेज किस तरह से क्रिएट करना है। तो आइए मुझे फॉलो कीजिएगा। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप पीसी की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो जब आप अपनी फेसबुक आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो इसके अंदर आपने अपना फेसबुक पेज किस तरह से क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेजेस का, यहाँ पे आपको एंड पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पेजेस का। अगर आप अपने मोबाइल पर इसको यूज कर रहे हैं तो मोबाइल पर भी आप फेसबुक ऐप अगर ओपन करेंगे तो आपने लेफ्ट साइड पे थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, आपको नीचे पेजेस वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल पर वेब ब्राउजर यूज करते हैं, आप वेब ब्राउजर के अंदर अपना डेस्कटॉप मोड ऑन कर लें तो वहां पे आपको सेम एज इट इज ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने पेजेस पे क्लिक कर देना है, मैं पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ तो इस तरह का आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे वो कुछ पेज सुजेस्ट कर देगा कि आप इनको लाइक कर दें अगर आपने लाइक ना किए हुए तो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने अपना फेसबुक पेज किस तरह से क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपने लेफ्ट साइड पे प्लस का आपको एक छोटा सा आइकन मिलेगा और साथ आपको लिखा हुआ नजर आएगा क्रिएट न्यू पेज, आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा क्रिएट अ पेज और नीचे है जी पेज इंफॉर्मेशन और उससे नीचे है पेज का नेम। आप जिस तरह का पेज क्रिएट करना चाहते हैं आपने यहाँ पे अपना उसका नेम लिख देना है, मतलब अगर आपका आईटी का पेज है, सॉफ्टवेयर का पेज है, टेक का पेज है, या इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्री का पेज है, या न्यूज का है, या क्रिकेट का है, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसका नेम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईटी ट्रिक्स लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं आईटी के बारे में मतलब टेक के बारे में बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आईटी ट्रिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है।
आईटी ट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख के आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने आईटी ट्रिक्स लिख दिया है और यहाँ पे नीचे आ जाना है आपने अपनी कैटेगरी पे कि आपकी कैटेगरी क्या है। आपका टेक है तो आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है जिस तरह का आपका पेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं परमानेंटली, जो कि हमेशा आपकी वीडियो जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे वो आपको नजर आएगी। तो आप यहाँ पे लिख दें अपनी मर्जी के मुताबिक। यहाँ पे मैं फिलहाल लाइक लिख देता हूँ, लाइक फॉलो लिख देता हूँ, ठीक है। फॉलो के साथ मैं यहाँ पे शेयर लिख देता हूँ, लाइक फॉलो एंड शेयर। इसको मैं लिखने के बाद यहाँ पे कॉमास भी लगा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है क्रिएट पेज पे। ये देखे मैंने क्रिएट पेज पे क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पेज आपके पास इस तरह से आ जाएगा। वो बता रहा है कि अपनी जो है वो पिक्चर ऐड करें जो आपकी यहाँ पे पेज पे शो होगी। अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर अपनी लगा सकते हैं। मैं अभी फिलहाल पिक्चर नहीं लगा रहा, तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर कवर की भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अपने पिक्चर लगाने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि आप अपना फोन नंबर अटैच करें। तो आपने अभी फिलहाल अपना फोन नंबर अटैच नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर अभी अटैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करके आपने लीव पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आपके पास आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो मेन सेटिंग इसकी करनी है वो ये वाली है कि आप यहाँ पे ऐड अ बटन पे आपने क्लिक करना है। ऐड अ बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास छोटा सा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो उसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है जब किसी के पास आपका पेज ओपन होगा तो आप उसको क्या चाहते हैं कि क्या उसको ऑप्शन आपके नजर आए। तो यहाँ पे आपने फॉलो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एडिट फॉलो, मतलब कि फॉलो उसको लॉक करेंगे तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फॉलो यहाँ पे आपका आएगा हमेशा के लिए। जब कोई भी आपका पेज विजिट करेगा तो यहाँ से वो डायरेक्टली आपके पेज को फॉलो कर सकता है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके फॉलो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी फिलहाल हमारा तकरीबन पेज क्रिएट हो चुका है। हमारी पिक्चर्स जो है वो यहाँ पे नहीं लगी। आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर्स अटैच कर लेनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बताएगा कि आप अपनी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करें तो आप अपनी पिक्चर यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। इसी तरह से आप अपना कवर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा पेज जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ से आप अपनी वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको फोटो और वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है। तो जब भी आप कोई भी वीडियो बनाते हैं या कोई भी पिक्चर है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे आपका मीडिया पड़ा होगा, जहाँ से आपने अपनी पिक्चर और वीडियो को अपलोड करना है। ये देखें यहाँ पे मैं अपनी एक वीडियो अपलोड आपको करके चेक करवा देता हूँ, ठीक है। कोई छोटी सी मैं वीडियो इसके अंदर अपलोड करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं इस वीडियो को अगर इसके अंदर अपलोड करना चाहता हूँ तो इस पर मैंने क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा कि आप इसके अंदर अपलोड करें। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका नेम रख देना है, ठीक है। नेम रखने के साथ साथ हैशटैग्स आपने लगाने हैं। हैशटैग्स के बारे में आपको नहीं पता तो वो आपने सर्च कर लेना है, हैशटैग किस तरह से आपने यूज करना है। और यहाँ पे आपने नेम ऐड करना है, जो आपकी वीडियो होगी उसका नेम उसके मुताबिक यहाँ पे रख देना है और रख के आपने यहाँ पे उसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ये पोस्ट हो जाएगी बाकी आपका काम फिनिश है। ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको रिकमेंड करेगा लोगों तक, लोग उसको लाइक करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। तो जिस तरह से लोग उसको देखेंगे, जिस तरह से आपके व्यूज बढ़ते जाएंगे, आप 5, 6, 10, 8, 10 जितनी वीडियोस आप डालेंगे, जैसे जैसे आपके व्यूज ज्यादा होते जाएंगे तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। मैं अभी आपको फिलहाल इसका क्राइटेरिया चेक करवा देता हूँ। तो इसका क्राइटेरिया मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपने फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आ जाना है। आपने गूगल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। मोनेटाइजेशन सेक्शन के अंदर आपने अपना क्राइटेरिया चेक करते रहना है। आपके जैसे जैसे व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि आपका फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन तक एलिजिबल होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए इंस्ट्रीम एड्स के अंदर आपको यहाँ पे 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने होंगे, जो कि बहुत इजी है। अगर आप अच्छी सी वीडियोस बनाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई इंटरटेनिंग वीडियो बना लेते हैं, अपनी डेली लाइफ की वीडियो बनाते हैं, कोई भी आप वीडियो बनाते हैं,
तो जैसे जैसे आप उसको अपलोड करते जाएंगे, आपकी वीडियोस के अंदर व्यूज आते जाएंगे, फॉलोअर्स आते जाएंगे, तो आपका ये सब कुछ क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं, उसके अलावा आपको 60 दिनों के अंदर अंदर 6,00,000 व्यूज आपने करने हैं। अगर आपकी एक दो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, उसके अंदर व्यूज आ जाते हैं, ये आपके 15-20 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो सकते हैं, या इसके अलावा ये एक दिन के अंदर भी कंप्लीट हो सकते हैं। तो आपने इसके अंदर वीडियोस को अपलोड करते रहना है, और वीडियोस को अपलोड करने के साथ साथ इसके अंदर आपने मोनेटाइजेशन सेक्शन के अंदर आपने चेक करते रहना है, तो आपके व्यूज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपके फॉलोअर्स भी जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि आप अपनी मोनेटाइजेशन को एलिजिबल करें। तो आगे आपने अपना फॉर्म फिलअप करना होता है, आगे आपने अपनी पेमेंट मेथड लिखनी होती है कि आप किसके थ्रू अपनी पेमेंट निकलवाना चाहते हैं, तो तब आपकी वीडियोस के अंदर एड्स ऑन हो जाएंगी, तो आप इस तरह से फेसबुक पर इजीली अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो के अंदर कमेंट करना है, आपको मैं प्रॉपर इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, और आपको मैं चेक करवाऊंगा कि इसके अंदर किस तरह से आपने अर्निंग करनी है, तो मैं आपको इसका लाइव प्रूफ भी दूंगा कि आप किस तरह से फेसबुक पेज से और कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है, कोई भी आपको किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आता है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मेरे से आप बात कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।